आप जानते हैं कि फिल्म नो एंट्री के ओरिजिनल कास्ट में कौन कौन से एक्टर्स थे? अगर नहीं जानते तो चलिए कोई बात नहीं, मैं आपको बताऊंगी पूरी बात इस वीडियो में। लेकिन सबसे पहले नमस्कार, मैं हूँ ज्योति पाठक और आप देख रहे हैं बॉलीवुड स्पाई। और अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, इसी तरीके की इन्फॉर्मेशन से अपडेटेड रहने के लिए। जी हाँ, 2005 में आई थी फिल्म नो एंट्री, जिसे डायरेक्ट किया था अनीस बाज़मी जी ने और इस फिल्म को प्रोड्यूस किया था बोनी कपूर जी ने। अगर मैं बात करूँ इस फिल्म में हमें नजर आए थे सलमान खान, अनिल कपूर, फरदीन खान, ईशा देओल और सेलिना जेटली, लारा दत्ता, बिपाशा बसु। जी हाँ, और इन सबकी परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग थे इस फिल्म में। और मैं बात करूँ तो इस फिल्म को बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिला था ऑडियंस की तरफ से, लोग कहीं ना कहीं हंसते हंसते लोटपोट हो गए थे। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो कास्ट है वो ओरिजिनल कास्ट नहीं थे इस फिल्म के लिए। जी हाँ, बोनी कपूर जो है इस फिल्म के प्रोड्यूसर, उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि ये जो कास्ट है इस फिल्म के अंदर वो ओरिजिनल कास्ट नहीं थी। इनफैक्ट ओरिजिनल कास्ट थी सलमान खान, अनिल कपूर और संजय दत्त। जी हाँ, संजू बाबा थे लेकिन कुछ रीजन के वजह से वो इस फिल्म से नहीं जुड़ पाए। जो संजय दत्त थे वो सलमान खान ने जो इस फिल्म के अंदर किरदार निभाया था वो किरदार निभाने वाले थे और सलमान खान कुछ और किरदार निभाने वाले थे इस फिल्म के अंदर। जी हाँ, फिर जैसे ही संजू बाबा निकल जाते हैं, फिर उसके बाद देखा जाए तो सलमान खान, अनिल कपूर और सैफ अली खान मतलब फाइनलाइज हो जाते हैं, लेकिन फिर बाद में फरदीन खान उन्हें रिप्लेस कर देते हैं। बाद में बताना चाहूंगी कि इस फिल्म के अंदर जो बॉबी का कैरेक्टर प्ले करती है बिपाशा बासु भी इस कैरेक्टर के लिए ओरिजिनल चॉइस नहीं होती है। जी हमारी पिगी चॉप्स यानी कि प्रियंका चोपड़ा इस रोल के लिए ओरिजिनल चॉइस होती है। इनफैक्ट जो प्रोड्यूसर है इस फिल्म के, उनको चेक भी दे देते हैं, अमाउंट भी दे देते हैं, लेकिन उनको मुझसे शादी करोगी का फिल्म करना था, जिसके वजह से वो एग्जिट मार लेती है इस फिल्म से और उनकी जो मैनेजर है, प्रियंका चोपड़ा की मैनेजर, जो अमाउंट होता है उसको वापस कर देती है। जी हाँ, तो ये ओरिजिनल चॉइस होती है इस फिल्म के लिए। और तो और मैं आपको बताना चाहूंगी कि नो एंट्री 2 के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है लोगों के अंदर, लोग चाहते हैं कि ये सीक्वल जल्द से जल्द आए। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी, मुझे बताइए कि कितनी एक्साइटमेंट है इसके सीक्वल के लिए और चाहते हैं कि आए, तो मुझे बताइए कॉमेंट सेक्शन में। और देखते रहिए बॉलीवुड स्पाई ऐसे ही डिडियो नो इन्फॉर्मेशन के।